नमस्कार दोस्तों, हरी भरी बगिया में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं बताऊंगी कैसे मैंने न्यू प्लांटर में अपने प्लांट्स को लगाया है, और मैं इनकी रेट भी बताऊंगी आपको कि मैं कितने कितने के लेके आई थी। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये मैंने सोयल तैयार कर ली है, इसमें मिट्टी, गोबर का खाद, सैंड, वर्मी कंपोस्ट ये सब मिला लिया है, और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है बिल्कुल। ये मेरे प्लांटर हैं, इनमें होल होल करके मैंने इन पे ये रख दिया है पत्थर, और इनमें मैं आधा आधा मिट्टी भर के और इनमें अपने प्लांट्स लगाऊंगी। ये प्लांटर मैं 50 रुपीज़ के लेके आई थी, 50 रुपीज़ का एक है। ये देखिए सदाबहार है मेरा, ये सदाबहार मैं इन प्लांटर में लगाऊंगी। ये मेरे जो सदाबहार के प्लांट हैं, मैं इनको काफ़ी टाइम पहले लेके आई थी, लेकिन मैंने इन्हें रिपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं पिछली बार जब अपने प्लांट लेकर आई थी तो मैंने आते ही इनको रिपोर्ट कर दिया था। पता नहीं वजह क्या थी, लेकिन मेरे जो हैं प्लांट वो ख़राब हो गए थे, सूख गए थे, और कुछ ने फूल भी नहीं दिए थे, डिस्टर्ब हो गए थे पता नहीं क्या, तो सब प्लांट मेरे ख़त्म हो गए थे। तो अब मैं न्यू प्लांट लेकर आई हूँ, मैंने कुछ दिन उन्हें ऐसे ही रखा है, और अब मैं उनको रिपोर्ट कर रही हूँ। ये मेरे हाइब्रिड सदाबहार हैं, मैंने आपको पिछली बार बताया था शायद, मैं इनको 30 रुपीज़ के लेके आई थी, 30 रुपीज़ के, और इन पे बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं। अभी थोड़ी सर्दी है, ज़्यादा सर्दी हो रही है, इसलिए इनके फूल बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं। सर्दी की वजह से इनके फूल पूरे बढ़ नहीं पा रहे हैं, वरना इन पे बहुत सारे फूल आते हैं, और सदाबहार जैसा नाम है वैसे ही सदा फूल देता ही रहता है, 12 महीने इस पर फूल आते हैं। ये मेरा दूसरा प्लांटर है, और मैं इस वाले को इसमें लगाऊंगी। ये थोड़ा सदाबहार मेरा बड़ा है बहुत इस पर, लेकिन अभी फूल बहुत कम आ रहे हैं, वो वजह सर्दी की वजह से ही है। देखिए इसमें अब मैं हिसाब से मिट्टी से इसे भर दूंगी। ये तो सब जानते हैं कि जितने भी फूल के पौधे होते हैं उन्हें फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो सदाबहार को भी हम फुल सनलाइट में ही रखेंगे, और इनमें टाइम टाइम पर पानी देते रहें, खाद देते रहें। ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी सही नहीं है, क्योंकि इनकी रूट रोट हो सकती है। हाइब्रिड सदाबहार जो होते हैं बहुत जल्दी इनकी रूट रोट हो जाती है ज़्यादा पानी से, तो इसलिए इनको ज़्यादा पानी भी ना दें, और इन्हें महीने दो महीने में एक बार खाद डाल सकते हैं, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। गर्मियों में खासकर इनमें फूल बहुत ज़्यादा आते हैं, ये ज़्यादा सर्दियों में ये भी फूल छोटे कर देता है और कम फूल आते हैं, तो गर्मियों के मौसम में ये ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, और जब ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी पड़ती है या बारिश ज़्यादा होती है तो इन्हें बचा कर रखना चाहिए, ज़्यादा ठंड से भी इन्हें बचा कर रखना चाहिए। ये ज़्यादा ठंड पाला पड़ता है तो ये सब इनके लिए नुकसानदायक हैं, और फूल भी नहीं देते फिर ये। तो मैं तो इन्हें शेड एरिया में ही रखती हूँ, और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि आप शेड में ही इनको रखें, और फुल सनलाइट इनको चाहिए, फुल सनलाइट में इनको रखिएगा। तो ऐसे ही बस थोड़ी सी देखभाल से ही ये हमारे पौधे अच्छे से चलते रहेंगे और साल भर फूल देते रहेंगे।
देखिए कितना सुंदर फूल लग रहा है इस पे, कितना सुंदर फूल आया है। ये देखिए मैं इन सबको लगा चुकी हूँ और बस अब मैं इन्हें अपनी बालकनी में इनको मैं टांग लूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए तीनों ये रंग बिरंगे मेरे प्लांटर कितने सुंदर लग रहे हैं और फ्लावर्स भी इनमें कितने खूबसूरत आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। सदाबहार का जो पौधा है वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये एक मनी प्लांट की ही वैरायटी है, बहुत खूबसूरत है ये, बहुत अच्छी लगती है। तो मैं भी इसे इस पॉट में से अपने दूसरे पॉट में लगाऊंगी। और एक दो तरह की मेरे पास मनी प्लांट हैं, एक गोल्डन है और ये एक इस तरह की है, तो मैं इन दोनों को भी रिपोर्ट करूंगी। मनी प्लांट भी, और सब लोग ये तो जानते हैं कि देखो कोई भी पौधा हो उसे थोड़ी बहुत केयर की तो ज़रूरत पड़ती ही है। टाइम पर पानी दीजिए, खाद दीजिए और टाइम टाइम पर उनका ध्यान रखिए, गुड़ाई करते रहिए, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारा प्लांट अच्छे से चलता रहता है। और सनलाइट की और ज़्यादा धूप की भी में ये देखना पड़ता है कि ज़रूरत से ज़्यादा धूप ना हो। और इन्हें तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, इन्हें तो हम शेडी एरिया में भी रख सकते हैं और बस हल्की धूप चाहिए इनको, शेड में रख सकते हैं इनको। और मुझे मेरे पास ये दो तरह की मनी प्लांट नहीं थी, ये एक गोल्डन है और एक इस तरह की वैरायटी है, तो मुझे ये बहुत पसंद आई थी, ये मेरे पास थी भी नहीं। तो मैं इन्हें नर्सरी से, मुझे नर्सरी में ये दिखाई दी थी तो मैं इनको ले आई। और ये देखिए ये गोल्डन कलर की है, बहुत खूबसूरत लगती है जब ये बड़ी हो जाती है। तो सब कहते हैं कि ये आसानी से नहीं हो पाती हैं, पानी में भी ये आसानी से नहीं होती, तो मैं भी अब कोशिश करूँगी, देखूँगी कि किस तरह से मैं इनसे और नए नए प्लांट बनाऊँगी, तब आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो ये मेरे पास छोटे छोटे ही हैं तो मैं इनको ही लगा रही हूँ अपनी हरी भरी बगिया में। तो दोस्तों अब हम ये इसको मैं अपनी इसके टोकरी में लगा चुकी हूँ, अब मैं इसे अपनी बालकनी में इसे लटका दूँगी, बहुत सुंदर लगेगी ये। अब ये बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो दोस्तों कैसी लगी है आपको मेरी ये वीडियो, और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।